यहाँ के मंदिर की विशेषता है कि यहाँ एक रामलीला मंच के प्रांगण ही में मंदिर बना है और यहाँ पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है वहाँ से रामशिला आई है। Hey guys, welcome to my YouTube channel तनुश्री व्लॉग और साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की हंसी वादियों में फिर से आपका स्वागत है। सभी दगड़ियों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दी है। तो आज हम जाने वाले हैं लोहाघाट के राम मंदिर में। फिलहाल मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ से हमारे घर के आसपास का व्यू काफी अच्छा दिखता है। तो मैं पहुँच गई। तो दगड़ियों, आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, आसमान एकदम साफ है, धूप भी आई है, लेकिन कहीं कहीं पे बादल भी नजर आ रहे हैं। और ये हमारे घर के पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। ये सामने पे माता रानी का मंदिर भी है और नीचे से ये पाटन पुल दिख रहा है और ये पाटन का गांव है। वहाँ से एक रोड जाती है बाराकोट की ओर, एक रोड जाती है पिथौरागढ़ की ओर। ये गाड़ियाँ भी चल रही है थोड़ी लगभग। और यहाँ और इस साइड का व्यू ऐसा हो रहा है, ये देवदार के पेड़ नजर आ रहे हैं और थोड़ी धूप भी आई है। और यहाँ पे यहाँ का व्यू तो आपने देखा ही होगा, ये देवदार के पेड़ ही पेड़ हैं। दगड़ियों, आगे हम रेडी होकर आते हैं, फिर चलते हैं हम मंदिर की ओर। दगड़ियों, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और आज हमारे साथ पांडा। हेलो। तो चलिए लोहाघाट की एक्सप्लोर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको राम मंदिर। तो दगड़ियों, ये देख सकते हैं ऊपर की ओर, ये है GIC का स्कूल का गेट। वो था मेन गेट और ये है स्कूल का गेट। और ये है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, यहाँ 6 से लेकर 12 तक के छात्र पढ़ते हैं। यहाँ लड़कों का स्कूल है, यहाँ की गर्ल्स इंटर कॉलेज है और वो है उस साइड। चलते हुए ये है ऊपर को सीढ़ियाँ जा रही है जो कि GIC के स्कूल के मैदान की ओर जाती है। वैसे तो हम इस रास्ते से जाएंगे लेकिन हम आपको यहाँ का मैदान का व्यू दिखा के आ रहे हैं जो हमने आपको मेले में भी दिखाया था। यहाँ का व्यू अभी कुछ ऐसा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी तो कोई नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन सुबह शाम यहाँ पे एक्सरसाइज गेम्स वगैरह होते रहते हैं। अभी थोड़ी धूप भी आई है तो अभी धूप लगी करके कोई अक्सर आए नहीं है। मैंने पहले भी बताया था यहाँ आपको खेल महाकुंभ हो गए और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है। और इस मैदान ने जो है ददा लोगों को कितनी बड़ी बड़ी जो अग्निवीर भर्तियाँ है वो हासिल कराई है। ये सब इसी मैदान की बदौलत है क्योंकि बहुत सारे ददा लोग हमारे यहाँ के यहीं आते हैं, फिर इसी मैदान में आते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, यहाँ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हो ये है GIC का स्कूल की थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स यहाँ से दिख रही है। GIC स्कूल है बहुत बड़ा, ये तो उसका मैदान हो गया। और एक बिल्डिंग नीचे की ओर है, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। फिलहाल GIC का व्यू देख सकते हो आप, अभी सुनसान हो रखा है GIC के लिए। यो एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ऊपर से थी जहाँ से मेन गेट था मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से जा रहे हैं गेट और अंदर को है ये बिल्डिंग। यहाँ भी क्लासेस चलती होंगी यहाँ भी। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये है सामने पे हॉस्टल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास। यहाँ ददा लोग पढ़ते हैं, उनका हॉस्टल लाइफ में है ये, यहाँ उन लोगों की पढ़ाई होती है। और सामने पे इस साइड आपको दिखाती हूँ, उस साइड जो मकान दिख रहे हैं वहाँ है तल्ली चांदमारी और जो ये पीला पीला रंग का दिख रहा है आंगनबाड़ी केंद्र। ये आंगनबाड़ी केंद्र आप देख सकते हो यहाँ पर है ये, तो हम आपको ले चलते हैं। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ऊपर से चलते चलते आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर से रास्ता है नीचे की ओर। अभी जाते वक्त तो ठीक ही हो रहा है लेकिन जब हम आएंगे तो बहुत चढ़ाई हो जाती है तो सांस भी लग जाती है। और आप इधर साइड पर भी देख सकते हैं वहाँ पे है ट्रेजरी जहाँ पे मकान ही मकान दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से दिखाते हैं। तो अगर ये यहाँ पे तो आसपास बहुत ही मकान मकान है, यहाँ पे जगह थोड़ी खाली है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप खलाई हुई है, जल्दी यहाँ पे मकान बनेगा ही बनेगा। और इधर साइड तो मकान ही मकान है और वहाँ पे सामने पे एक बस्ती सी बसी है, यहाँ पे ट्रेजरी आना है वहाँ। और जो यहाँ से सामने पे दिख रहे हैं देवदार के पेड़ हैं, बीच बीच में मकान दिख रहे हैं, उधर उससे उधर साइड जो है मीना बाजार ही आ जाती है। तो फाइनली हम मार्केट में पहुंच चुके हैं, टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, मूंगफली की दुकान लगी हुई है
और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा होटल टाइप में है, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं यहाँ की ओर रोड जाती है और एक रोड है आगे मार्केट की ओर, हम आपको ऊपर से अच्छे से दिखाएंगे। फाइनली हम इतनी सीढ़ियों को चलते हुए यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये है मेन हाईवे। यहाँ का जो टैक्सी स्टैंड मेन है वो यहीं पे है, गाड़ियाँ सब यहीं पे रुकती है। आप देख सकते हैं एक रोड ऊपर की ओर है, एक रोड नीचे की ओर है। जो रोड ऊपर की ओर है गुमटे मतलब साइड को जाती है और जो नीचे की ओर जाती है वो है बाराकोट और पिथौरागढ़ को जाने वाली रोड। और यही रोड है ये नीचे जो कि मार्केट को जाती है आगे। अगर हम नीचे से जाते तो हम भी यहीं से मार्केट पहुंच जाते, लेकिन यहाँ हम जा रहे हैं आज गोरखानगर से, क्योंकि यहाँ से हमें शॉर्ट पड़ने वाला है। तो फिलहाल हम यहीं से जाएंगे क्योंकि जहाँ से शॉर्ट पड़ता है वहीं से हमारे ठीक ठहरा, और नीचे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और हमारा मेन मकसद है राम मंदिर में जाना, तो हम गोरखानगर के रास्ते जो है जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये है गोरखानगर वालों के यहाँ घर दिखने स्टार्ट हो गए। वैसे तो हम गोरखनगर के रास्ते भी जा सकते थे, लेकिन हम इस रास्ते आए ताकि हम आपको यहाँ का पुलिस थाना भी दिखा सके। तो हम आपको यहाँ का पुलिस थाने का व्यू दिखाएंगे। फिलहाल हमारी दी मिल चुकी है जो अपनी एजुकेशन करके यहाँ पशुपालन विभाग में लगी हुई है। हेलो, ये मेरी सिस्टर है, प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब शेयर जो जो करते हैं, बेल आइकन सब कर देना। ये हमारी दी मिल चुकी है, अब हम आपको यहाँ का पुलिस थाना दिखाएंगे। तो देख रही है फाइनली हम राम मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो हम चल हम राम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पुजारी जी आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। नमस्कार, लोहाघाट के नगर के मध्य स्थित ये रामलीला मैदान प्रांगण में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। सभी लोगों के सहयोग से, सबके चंदे के द्वारा सभी लोगों के सहयोग से सार्वजनिक मंदिर है। भगवान श्री राम के 120 साल हो चुके हैं यहाँ के रामलीला को पूर्ण हुए, तो यहाँ की रामलीला कमेटी ने निर्णय लिया कि नजदीक शहर के नजदीक एक भव्य मंदिर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। आप सबके सहयोग से यहाँ पर राम मंदिर की स्थापना की गई। अभी एक साल पूर्ण नहीं हुआ है, चैत्र की नवरात्रि से इस मंदिर का प्रारंभ प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई थी। यहाँ के मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ एक रामलीला मंच के प्रांगण ही में मंदिर बना है और यहाँ पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है वहां से रामशिला आई है और भगवान श्री राम अयोध्या से भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं भी यहां पे आई हैं। इस कारण से इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। तो धार्मिक चैनल और धार्मिक आस्था से परिपूर्ण यहां पे ये बहन, छोटी बहन है, इनका ब्लॉग यहां पे आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वह लाइक करें, दबाएं और आस्था के साथ भक्ति की गंगा में आप भी गोते लगाएं और भगवान प्रभु श्री राम इनको दीर्घायु करें, इनके जीवन में उन्नति की ओर इन्हें अग्रसित करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे इतना कुछ बोलने के लिए। तो हम रास्ते से चलते चलते फिलहाल अपने मकसद की ओर पहुंच चुके हैं। आप ये पीछे की ओर देख सकते हैं राम सिया और उनके भ्राता
लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति किस प्रकार यहाँ पे लगी हुई है। ये राम जी का ही मंदिर है और वो जो नीचे की ओर दिख रहा है वो है चरण पादुकाएं, और जो उसमें पीले रंग के फूल है उसमें कहा जाता है कि राम सिया का निवास स्थल है। तो यहाँ के बारे में जैसे कि पुजारी जी ने बताया कि 120 साल हो चुके हैं यहाँ की रामलीला में, तो यहाँ पहले से जो रामलीला का जश्न मनाया जाता था उसी तरह भी आज भी उसी जोश उसी जश्न के साथ यहाँ रामलीला मनाई जाती है। और अभी हम आपको यहाँ का रामलीला मंच भी दिखाएंगे। और ये जो मंदिर है वो हाल ही में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ के लोगों और यहाँ की जन समितियों का जो है पूरा सहयोग रहा इस मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छा है और यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं देखने को मिलती है। और सामने पे वहाँ का व्यू दिखाएंगे हम आपको, वहाँ पे बैठने की भी उचित व्यवस्था है, साथ ही जब रामलीला होती है तो यहाँ इस चैनल में आपको देखने को मिल ही जाएगी। और आप भी यहाँ कभी घूमने के लिए आइएगा, यहाँ दूर दराज से लोग इस हाल ही में बने मंदिर को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा है। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है, यहाँ भगवान के श्री राम के दर्शन भी हो जाते हैं और जो है मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं और जहाँ पे रामलीला होती है वहाँ का मंच भी दिखाते हैं और उसके आसपास का व्यू कैसा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। राम मंदिर से होते हुए ये सीढ़ियों से चलते हुए यहाँ आपको दिखाते हैं रामलीला, यहाँ डांस प्रोग्राम भी चलते हैं। हाँ, यहाँ डांस क्लासेस भी चलती हैं। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस मंच में, यहाँ पे रामलीला का मंच में यहाँ पे रामलीला आयोजित की जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कैसा हो रहा है। दूर दराज से लोग जो आ नहीं सकते उन्हें तो इस चैनल पे देखने को मिली जाएगी, लेकिन जो कि आने की कोशिश करती हूँ यहाँ रामलीला पे आइएगा, यहाँ पे आपको रामलीला की सुंदर सी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जब नवरात्र होते हैं तो 9 दिनों के नवरात्र होते हैं और यहाँ पे भी 9 ही दिनों की रामलीला होती है। 10वें दिन में रावण का दहन हो जाता है। और यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि उन नवरात्रों में यहाँ कन्या पूजन और कलश यात्रा भी देखने को मिलती है, जो कि एक सुंदर सा नज़ारा होता है। आप यहाँ जरूर देखने के लिए आइएगा। यहाँ आगे की ओर फिर देख सकते हैं यहाँ किसी चीज़ का काम चल रहा है। और यहाँ की जो दीवार है इस रूम में हम अंदर की ओर से जा नहीं सकते, दरवाज़ा लगा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ वहाँ पे रैकेट वगैरह खेलते हैं, वहाँ पे बड़ा सा हॉल टाइप में है, वहाँ पे रैकेट की प्रैक्टिस करते हैं और डांस क्लासेस की प्रैक्टिस। यहाँ से थोड़ा थोड़ा पीछे से पीला पीला कलर का हॉस्पिटल का व्यू भी दिख रहा है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लोहाघाट का। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक की सुविधाएँ उपलब्ध है। तो दगड़ियों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और इससे पहले के ब्लॉग में भी मैंने देखा आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट कमेंट। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।